दोस्तों ये है आरके स्टूडियो, राज कपूर का आरके स्टूडियो। ये स्टूडियो 1950 में खरीदा गया था। पहली फिल्म इसमें आग थी। अब तक 21 फिल्में बन चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दें, 2017 में आग लगने की वजह से इसे गोदरेज प्रॉपर्टी से बेच दिया गया है। 2.2 एकड़ में फैले आरके स्टूडियो की कीमत लगभग 200 करोड़ बताई जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं गोदरेज आरकेएस। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी किसी नेता है कि हम आगे मुंबई के चेंबूर इलाके। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं आरके स्टूडियो, राज कपूर का स्टूडियो दिखाने वाले हैं, यानी कपूर खानदान का स्टूडियो हम दिखाने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बता दे गाइस, ये जो स्टूडियो ना 73 ईयर हो गया है, यानी 73 साल पुराना हो गया इसकी। सो गाइस, हम आपको बता दें आरके फिल्म स्टूडियो में कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। और फिलहाल जो ना ये स्टूडियो बेच दिया गया है, और हम आपको दिखाएंगे स्टूडियो किस प्रकार से अभी दिखता है। अभी तो फिलहाल स्टूडियो तो नहीं रहा, यहाँ पर टावर बन रहा है, हम आपको यहाँ का नज़ारा सब कुछ दिखाएंगे। एक वीडियो करते हैं स्टार्ट, और अभी हम आपको दिखाते हैं राज कपूर का यानी आरके स्टूडियो। ठीक है, चलिए राज कपूर करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये हम देख सकते हैं लिखा हुआ है आरके स्टूडियो, ये हम देख सकते हैं आरके स्टूडियो फिल्म स्टूडियो देख सकते हैं, और यहाँ पर काम चालू है, देख सकते हैं मेन गेट है आरके फिल्म एंड स्टूडियो चैम्प, देख सकते हैं गोदरेज आरकेएस को यहाँ पे बेच दिया गया है। तो गाइस देख सकते हैं अभी बिल्डिंग बन चुका है, देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आरके स्टूडियो ना बहुत ही पुराना है, 73 ईयर हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग के बीच में आरके स्टूडियो नहीं है, क्योंकि ये हम आपको बता दें गाइस, ये जो स्टूडियो है ना आग लगने की वजह से अभी इसे बेच दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आरके स्टूडियो। तो देख सकते हैं अभी ये लास्ट बोर्ड है, कुछ दिनों बाद ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंगें बन चुकी हैं, ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से बिल्डिंगें बन चुकी भी, मैं आपको दूर से भी दिखाऊंगा। तो चलिए गाइज, आरके स्टूडियो के बारे में हम आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दें, राज कपूर का सपना केवल 24 साल की उम्र में ही पूरा हो गया था, जब उन्होंने फिल्म आग 1948 में पहली बार पर्दे पर प्रमुख भूमिका निभाने के साथ फिल्म का निर्माण और निर्देशक किया था। फिल्म बनाने का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन उनके सपने की भूख जो है ना बढ़ती जा रही थी। दोस्तों राज कपूर का सपना बस एक ही था, उनका खुद का स्टूडियो होना। जी हाँ, उन्होंने चेंबूर में 4 एकड़ जमीन पर 1950 में अपने आरके स्टूडियो की महत्वपूर्ण स्थापना की। अपने स्टूडियो में उन्होंने 1951 में फिल्म आवारा में रुमाली नायक की भूमिका निभाकर काफ़ी ख्याति अर्जित की। राज कपूर ने 1949 में बरसात, श्री 420, 1955 में जागते रहो, 1956 के साथ मेरा नाम जोकर देकर सबके दिलों पर राज किया। दोस्तों हम आपको बता दें, राज कपूर का हर अंदाज लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। राज कपूर अपने ज़माने के सबसे यंग डायरेक्टर थे। उनकी डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म आग थी, जिसमें उन्होंने खुद ही रीड रोल किया था। 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में अस्थमा के बिगड़े से राज कपूर जी का निधन हो गया था। उनकी सिनेमाई विरासत बाद में बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजी कपूर संभाली, मगर बेटियां रीमा कपूर और ऋतु कपूर फिल्म इंडस्ट्री से दूरी रही। सो गाइस, मैं आपको बता दें, राज कपूर को जो है ना 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था, और राज कपूर जी को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा ना 1971 में ना पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दें, यह स्टूडियो 2017 में बेच दिया गया है। बेच दिया इसलिए गया है गाइस कि 2017 में जो ना यहाँ पे बहुत ही भीषण आग लग गया था, जो कि दोबारा स्टूडियो खड़ा करना बहुत ही नामुमकिन था। तो देख सकते हैं गाइस, ये मुंबई के चेंबूर इलाके में पड़ता है आरके फिल्म स्टूडियो। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेन गेट यही है, देख सकते हैं। और ये जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंगें बन चुकी हैं, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी हम लोग के बीच में ये स्टूडियो नहीं है, मैं आपको यहाँ थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये बिल्डिंगें बन चुकी है। तो यही है आरके स्टूडियो, जो कि अभी इसे बेच दिया गया है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आरके स्टूडियो अब नहीं रहा, अब यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग बन चुका है, टावर बन चुका है, देख सकते हैं गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ आरके स्टूडियो का नज़ारा, देख सकते हैं अभी आरके स्टूडियो नहीं रहा। और देख सकते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है अभी ये बिल्डिंग, अभी आरके स्टूडियो नहीं रहा।
और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंगें बन चुकी है। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा यह ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को भी गैजब प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक ले ओके बाय।